हाय फ्रेंड्स, आज बनाएगी मैं सीता दाल। ये बंगाली रेसिपी है। मैंने एक करेला ली है, उसको हम इस तरह से गोल गोल करके कट कर ली है और उसमें नमक हल्दी मिला करके 5 मिनट रख देगी ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसको अभी हम 5 मिनट बाद फ्राई करेंगे। तो उसको सरसों का तेल में डीप फ्राई करना है, एकदम कलर चेंज होने तक उसको हमको फ्राई करना है और इसको इसे फ्राई करके इसका एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेना है। फिर मैंने 1 कप मूंग डाल ली है और इसको हम फिर ड्राई रोस्ट करेंगे और उसमें हम ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको हम पानी से 3 बार पानी से साफ पानी से धो लेंगे। फिर हमने जिस मग से मैंने डाल ली थी उसी मग से हमने 4 बार कुकर में पानी दी है, तो उसका मेजरमेंट अगर सही रहता है तो दाल भी अच्छा बनेगा। तो उसमें जो हम पानी जब उबल गया तब हम दाल को दे दिए धो करके, और इसमें हमको मसाला देंगे, 1 टमाटर देंगे, 1 चम्मच सौंफ देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा देंगे और 4 हरी मिर्ची को देंगे और स्वाद के अनुसार नमक हल्दी देंगे और उसको हम मिक्सी में पेस्ट बना लिए, फिर वो पेस्ट दे दिए। फिर दाल भी कुक हो गया, 3 व्हिसल लगने के बाद ये इस तरह से कुक हो जाता है। और इसके बाद इसका हम अभी तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने लिए है 2 चम्मच घी। 2 चम्मच घी लिए हैं और उसमें हम देंगे तेज़पत्ता, 2-3 तेज़पत्ता दे देंगे और 2 सूखी मिर्ची दे देंगे और 1 चम्मच जीरा देंगे, गोटा जीरा दे करके उसको हमको अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक हमको चलाएंगे। जब अच्छी तरह से मिर्ची और जीरा फ्राई हो गया तब जो हम बॉईल किया हुआ दाल को दे देंगे। उसके बाद इस तरह से 2-3 मिनट जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें देंगे चीनी। चीनी आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी कम भी कर दे सकते हैं, लेकिन चीनी देने से उसका जो है दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है और टेस्ट उसका अच्छा से और टेस्ट और बढ़ता है। और फिर इसमें जो हम करेला फ्राई करके रखी थी तो वो सारा दे देंगे। फिर 3-4 मिनट अच्छी तरह से करेला के साथ दाल को बॉयल होने देंगे। तो बन गया मेरा तीता दाल। बोल सुनने में तीता दाल लगता है लेकिन खाने में जरा भी तीता नहीं लगता है। और इससे आप बना कर